हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हेन वाज द सीपीआई एम फॉर्मड, मेंशन द आइडियोलॉजीज ऑफ द पार्टी। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सीपीआई एम कब फॉर्मड हुई थी और उसकी आइडियोलॉजीज के बारे में हमें बताना है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फॉर्मड इन 1964। कब फॉर्मड हुई थी ये पार्टी? ये पार्टी हुई थी 1964 में। ओके, अब इसकी आइडियोलॉजीज देख लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। द पार्टी बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। जब ये 1964 में जब ये बनी थी उस टाइम पे वर्ल्ड में मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का जो है इम्पैक्ट ज्यादा था। ठीक है, द पार्टी सपोर्ट्स सोशलिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। और जो ये पार्टी है वो किसको सपोर्ट करती है? सोशलिज्म, जिसे समाजवाद कहते हैं। सोशलिज्म का मतलब होता है कि सब सबका जो विकास है, सबका डेवलपमेंट है, एक रूप से होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, किसी भी तरीके का किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड डेमोक्रेसी, सबके पास लोकतंत्र होना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार वो लोग अपना प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सके। एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। और किसके अगेंस्ट थे ये पार्टी? इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, जिसका मतलब था आज से काफी साल पहले जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, जितने भी ये ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब लोग क्या करते थे? छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बना लेते थे। ठीक है, इसके अगेंस्ट थी ये पार्टी। एंड कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता, ये इसका मतलब होता है कि कोई कम्युनिटी या कोई कंट्री किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या एथनिक ग्रुप के लिमिट्स में रह जाए, उसके ये अगेंस्ट में थे। ये लोग प्रमोट करते थे किसको? डेमोक्रेसी को। राइट, सेकेंड है द पार्टी एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। पार्टी ने जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को सपोर्ट करा, उसे यूजफुल और हेल्पफुल बताया इंडिया के लिए, ताकि सबको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके इंडिया में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।